नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। अभी के इस वीडियो में हम बात करेंगे ECHS पॉलीक्लिनिक में कुछ फार्मासिस्ट की भर्ती निकली है उसके बारे में। और ये दोस्तों कहाँ है भर्ती? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS आगरा के पॉलीक्लिनिक में फार्मासिस्ट की कुछ वैकेंसी है। जो ये वैकेंसी है दोस्तों, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है जो कि इसका कॉन्ट्रैक्ट है 1 ईयर्स का, लेकिन ये आगे बढ़ भी सकता है। इसमें साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ, कि 1 साल की वैकेंसी है, लेकिन ये आगे जो है ये रिन्यूअल हो सकता है। अब बात करेंगे कि क्या है दोस्तों फार्मासिस्ट के कितने वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो सी ऑप्शन में फार्मासिस्ट की टोटल 2 वैकेंसी है, और ये कहाँ है? आगरा में। और इसका जो मंथली रिन्यूमरेशन रखा गया है, मींस मंथली जो सैलरी है वो है 28,100 रुपए। अब बात करेंगे इसके मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आपके पास, आपने 12 पास किया है और इसके साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी है यानी डी फार्मा कैंडिडेट हो आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों ECHS पॉलीक्लिनिक आगरा में इसका आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके साथ ही अब हम जानेंगे कि ये जो 2 वैकेंसी है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो हमने देख लिया। इसका इंटरव्यू डेट एंड टाइम होता है, इंटरव्यू जो है वो 28 अप्रैल को रखा गया है, लेकिन ये बदल भी सकता है क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट टू चेंज। तो इसका नोटिफिकेशन आप ECHS के वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसमें कोई TA और DA नहीं दिया जाएगा। अगर आप पास हो जाते हो इस एग्जाम को तो TA और DA नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 28,000 रुपये सैलरी रहेगी। इसके साथ ही अब हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो दोस्तों आप ECHS के वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही मैं अभी बताता हूँ आपको कि फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं इसका। दोस्तों इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन आप ECHS के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। आप सिंपल गूगल पे क्लिक करिए ECHS, देन आप जैसे ही ECHS के वेबसाइट को क्लिक करोगे, यहाँ आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जिसमें अगर आप एडवर्टाइजमेंट में जाते हो तो आप देख सकते हो इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन आपको इस बड़ेली वाले सेक्शन में है, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ जो बटन है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इस पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। देन इसमें जितने भी हैं सभी को आप फिलअप करके और इसको फिर भेजना होता है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।